दोस्तों, जन्नतुल बकी में नमाज पढ़ती औरत के साथ क्या हुआ? सऊदी बादशाह जब वहां पहुंचे तो क्या देख के वहीं गिर पड़े? अस्तग़फिरुल्लाह, सांप ही सांप। क्या हुआ जब एक औरत अपने शौहर की कब्र के पास नमाज पढ़ रही थी और उसने एक ऐसा काम किया कि वहां सांप आ गया? एक दिल दहला देने वाला वाकया। कहानी सेंटर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज इस वाक्य को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती बहुत सी औरतें करती हैं। कहीं हम में से कोई औरत यही गलती तो नहीं कर रही? ये वीडियो खास तौर पर मुसलमान औरतों के लिए है। दोस्तों, कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाने वाली औरत मुर्दों को ब्राह्मणा नजर आती है। इस बात की क्या हकीकत है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम ये वीडियो आपके साथ आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल कहानी सेंटर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मौजूद कब्रिस्तान है। यहाँ असहाबे रसूल, अहले बैते रसूल और कई मौजिस शख्सियात मदफून हैं। बकी इस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली पेड़ पौधे बाकसरत पाए जाते हों, और चूंकि बकी कब्रिस्तान की जगह में पहले झाड़ झनकार और कांटे यानी गरकत के पेड़ बाकसरत थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम भी बकी गरकत पड़ गया। दोस्तों, इसका महल्ले वकू ये है कि ये कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर मस्जिद नबवी शरीफ के मशरकी समत में वाकया है। इसके इर्द गिर्द मकानात और बागात थे, और तीसरी सदी में जो मदीना मुनव्वरा की फसीली दीवार तामीर हुई, इससे ये मिला हुआ था। इस फसील की तजदीदात मुतद्दद बार हुई हैं, जिनमें आखिरी तजदीद उस्मानी तुर्की दौर में सुल्तान सुलेमान कानूनी के जमाने में हुई। फिर इस मुल्क में अमन कायम हो जाने के बाद इस फसीली दीवार को मुनहदम कर दिया गया। फिर मस्जिद नबवी शरीफ की आखिरी तौसी में इस कब्रिस्तान और मस्जिद नबवी के दरमियान जो मकानात थे, उन सबको मुनहदम कर दिया गया। उन दिनों के दरमियान जो मोहल्ला आबाद था, वो अगवात के नाम से मशहूर था। मस्जिद नबवी शरीफ के मशरकी समत में अब ये बकी कब्रिस्तान मस्जिद नबवी शरीफ के खारजी सहन से मिल चुका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मुहाजरीन रिजवानुल्लाह अजमाइन ने जब मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके अपना मस्कन वतन बनाया, तो इस शहर मुबारक में मजीद तामीरों तमदनी तरक्की होने लगी। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि कोई मुनासिब जगह मुसलमानों की अमवात की तदफीन के लिए मुतय्यन हो जाए। इसी मकसद के पेशे नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बकी की जगह तशरीफ लाए, तो इरशाद फरमाया, मुझे इस जगह यानी बकी का हुक्म यानी कब्रिस्तान के लिए दिया गया है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बकी की जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने का हुक्म फरमाया था, और यहीं से इस जगह यानी बकी कब्रिस्तान की फजीलत की इब्तदा होती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वो वाक्या बताते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। किस्सा कुछ यूं है कि दोस्तों, अब्दुल हादी नामी शख्स उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा अपनी बीवी के साथ आया था। उम्रे की अदायगी के बाद वो जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, तो मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी के बाद जब रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा, तो जालियों के पास बादब खड़े दरूद शरीफ पढ़ते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और रोते रोते उसकी हिचकी सी बंद गई। उसकी बीवी भी उसके पास मौजूद थी कि जब उसने अब्दुल हादी को वहीं दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अचानक से फर्श पर गिरते देखा। ये देखकर वो परेशान हो गई। अब्दुल हादी का हाथ अपने सीने पर था और चेहरा सुर्ख होने लगा। उसकी बीवी मदद के लिए पुकारने लगी। जब तक वहाँ का अमला और जायरीन उस शख्स तक पहुँचे, वो जहाने फानी से कूच कर चुका था। प्यारे दोस्तों, ये देख कर उसकी बीवी रोने लगी। वहाँ मौजूद खवातीन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारा शौहर बहुत खुश नसीब है कि मदीना मुनव्वरा में उसका इंतकाल हुआ, जहाँ सहाबा इकराम ने ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया था। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके कि मदीना मुनव्वरा में मरे तो वही मरने की कोशिश करे, क्योंकि जो यहाँ मरेगा मैं उसकी शिफात करूंगा। दोस्तों, बिन असलम अपने वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मुझे
मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा और मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के शहर में मौत दे। दोस्तों, इन खवातीन ने सहाबा इकराम की अहदीस बताकर उस औरत को तसल्ली दी कि आखिर इंसान ने इस दुनिया से जाना ही होता है और खुश नसीब है वो जो मदीना मुनव्वरा जैसी जगह पर अल्लाह के पास चला जाए। लेकिन वो औरत सीना पीट पीट कर रोए जा रही थी। बहरहाल उस शख्स को गुसल दे दिया गया। जब उस शख्स को दफनाने के लिए ले जाया जाने लगा तो उसकी बीवी जिद करने लगी कि वो भी साथ जाएगी, लेकिन इमाम साहब ने इस बात की इजाजत नहीं दी और सख्ती से मना कर दिया। लेकिन वो औरत बाज ना आई और एक बार रात के अंधेरे में अपने शौहर की कब्र पर चली गई और वहां जाकर जाए नमाज बिछा कर नवाफिल पढ़ने लगी। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब वो शौहर की कब्र के सामने नवाफिल पढ़ रही थी तो उसे सरसराहट की आवाजें आनी शुरू हुई। चूंकि उस वक्त रात का पहर था और हर सू खामोशी का राज था, इसलिए जरा सी आवाज भी सुनाई दे रही थी और उस वक्त इस औरत का अकेले कब्रिस्तान में होना भी दुरुस्त ना था। वो औरत जब दो नवाफिल पढ़कर दुआ करने लगी तो अपनी आंखें बंद कर ली और रो रो कर अपने शौहर की मगफरत की दुआ करने लगी और ये भी कहने लगी कि इसका इंतकाल क्यों हो गया, अल्लाह ने क्यों इसके शौहर को इससे छीन लिया। रोते रोते बैन डालने लगी और बार बार अपना सीना पीटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने उसकी जाए नमाज पर सांप बैठा उसी को घूर रहा था। अपने सामने सांप को देखकर दोस्तों उसके होश उड़ने लगे, वो बुरी तरह से कांपने लगी। वो सांप बहुत बड़ा और मोटा था। उसे देखकर वो औरत इस कदर खौफजदा हुई कि हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बामुश्किल खौफ के मारे वहां से उठी और वहीं से पीछे कदम बढ़ाने लगी, लेकिन वो सांप भी उसके पीछे आने लगा। अभी वो वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि दूसरी जानिब भी उसे वैसा ही सांप नजर आने लगा। अब तो उस औरत की जान पर बनी थी। वो रोने लगी, अपनी मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी आवाजें सुनकर उस कब्रिस्तान का गोरकन वहां पहुंच गया। देखा तो एक औरत बुरी तरह से खौफ के मारे चिल्ला रही है। गोरकन ने पूछा कि वो कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, तो वो जमीन की तरफ इशारा करने लगी कि यहाँ सांप है, पहले इस सांप को मारो वरना ये मुझे डस लेगा। वो गोरकन कहने लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो सांप सिर्फ उसी औरत को नजर आ रहे थे और वो बुरी तरह से बदहवास थी, इसके माथे से पसीना बह रहा था। वो बस यही कहे जा रही थी कि ये सांप मेरी जाने बढ़ रहे हैं, इनको मुझसे दूर कर दो, इन्हें मार डालो वरना ये मुझे डस लेंगे। दोस्तों, वो गोरकन हैरत से कभी उस औरत को देखता तो कभी जमीन को, जहाँ कोई सांप मौजूद ना था, और उस औरत की हालत खराब होने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी और चीखे चिल्लाए जा रही थी, मुझे इस सांप से बचा लो, इस सांप को मार डालो। हालांकि दोस्तों, वहां कोई भी सांप मौजूद ना था, सिर्फ वो औरत ही उस सांप को देख रही थी और खौफ के मारे कांप रही थी, जैसे सचमुच वहां सांप मौजूद हो। डॉक्टर का कहना था कि इस औरत का ज़हनी तवाज़न खराब हो चुका है, जो इसे हर सू सांप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। जब ये मसला इमाम मस्जिद को बताया गया और इस औरत की बिगड़ती हालत का भी जिक्र किया गया तो वो कहने लगे कि औरत का कब्रिस्तान में जाना एक मकरूह अमल है, क्योंकि औरतों के कब्रिस्तान में जाने से अगर गम ताजा हो और वो बुलंद आवाज से रोए तो उनके लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो कब्रिस्तान जाएं ताकि गम ताजा हो, चूंकि उनमें सब्र कम होता है, इसलिए घर ही से इसाले सवाब करना चाहिए। नेज औरतों के लिए जब मसाजिद में बाजमात नमाज के लिए जाना हो, मकरूह तहरीमी है, तो कब्रिस्तान की ज्यारत के लिए घर से निकलने में बदरजा औला कराहत होगी, क्योंकि ये जरूरत शरयन नहीं है जिसकी बिना पर उनके लिए खुरूज को बिला कराहत जायज करार दिया जा सके। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है और इन लोगों पर भी लानत फरमाई है जो कब्रों को सजदागाह बनाएं और वहां चराग रखें। दोस्तों, इसी हदीस के पेश नजर औरतों के कब्रों पर जाने के बारे में अक्सर अहले इल्म हजरात की राय ये है कि ये नाजायज है, क्योंकि औरतें एक तो शरई मसाइल से कम वाकिफ होती हैं, दूसरा उनमें सब्र हौसला और बर्दाश्त कम होता है। उनके हक में गालिब अंदेशा यही है कि वो कब्रिस्तान जाकर जजाओ फजा करेंगी या कोई बिद्दत करेंगी, इसलिए उन्हें कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया गया। अलबत्त अगर कोई बूढ़ी औरत इबरत और तज़किरा आखरत के लिए कब्रिस्तान जाए तो इस शर्त के साथ इजाजत है कि वो जजा फजा ना करे, और जवान औरत के लिए जाने में बहरहाल कराहत है। इमाम साहब का कहना था, हमने इस औरत को कब्रिस्तान जाने से मना भी किया था, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी और अपने शौहर की कब्र पर चली गई और अपने शौहर की कब्र के सामने जाए नमाज बिछा कर नवाफिल पढ़ने लगी। किसी भी कब्र के सामने यूं नवाफिल पढ़ना जायज अमल नहीं है, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों,
यहाँ एक सवाल ये भी उठाया गया कि अगर औरत कब्रिस्तान जाए तो मुर्दों को ब्राह्मणा नजर आती है, इस बात की असल हकीकत क्या है। इमाम साहब ने कहा कि लोगों में जो ये बात मशहूर है कि कब्र में मौजूद मुर्दों को कब्र पर आने वाली औरतें ब्राह्मणा नजर आती हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं, लेकिन औरत की कब्रों पर जाने की ममानियत की गई है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बिद्दतों और गुनाहों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और इस वीडियो के हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।